हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे स्टूडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं करे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमेशा की तरह 15 प्रश्न हैं, और अगर आप 15 में से 10 से अधिक प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। तो पहला प्रश्न हमारा, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हो। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जवाब होगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल वर्ष में एक बार और अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, इसका ऑप्शन आपका सही है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, तब जो है आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा, यानी आपका पहला जो है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात होता है 60:3, 50:2, 60:2 या 90:4। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है छात्र और शिक्षक अनुपात होता है 60:2, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो क्या जवाब होगा इसका, बताइए आप लोग। देखिए, इसका जवाब होगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। प्रश्न क्या है? अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल, शिक्षक जैसी अपेक्षाएं रखेगा विद्यार्थियों का लर्निंग जो है वैसे ही प्रभावित होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड या प्रतियोगात्मक कक्षा। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? प्रभावशाली विद्यालय ये होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी बच्चों के अनुसार जो है अधिगम कराया जाए। ये नहीं कि कमजोर बच्चे हैं उनको जो है हाई फाई मार पढ़ा दिया जा रहा है तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस ओर बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो बताना है आपको इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब है सिरह पदाभिमुख। सिरह मतलब क्या होता है? सिर। पदा माने क्या होता है? पैर। तो सिर से पैर की ओर, सिफेलोकाडुअल। जब देखिए आपका जो है विकास की जो प्रोसेस होती है सिर से पद की ओर यानी पैर की ओर, उसे सिफेलोकाडुअल कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और काफ़ी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, अधिकतर जो है कोर्स पूरा हो गया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जो है उसको आराम से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बड़े बड़े वीडियोज़ मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम ख़त्म होता है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं ज़्यादा समझा देता हूँ, तो आप देखिएगा 50 से 60 वीडियो के बीच जो है वो वीडियोस हैं, और ये सब पॉइंट्स जो है आसानी से क्लियर किए हैं मैंने।
अगला प्रश्न है, लय वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन या संतुलन। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। लय वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या है? सामाजिक अन्योन क्रिया। समाज में जो बच्चा होता है समाज से अन्योन क्रिया करके ही सीखता है। वायगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे को पढ़ने के लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें 5 वीडियो में थ्योरी है और 5 वीडियो में जो है MCQs है। गारंटी देता हूँ अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए बच्चा क्या कहता है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो क्या होगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो क्या जवाब होगा इसका, बताना है आपको। देखिए इसका जवाब है आपका अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिक स्तर जो था आपका 4 से 10 वर्ष का, दूसरा था परंपरागत स्तर जो था आपका 10 से 13 वर्ष का, और तीसरा था आपका पश्च परंपरागत जो 13 वर्ष से अधिक का था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय ज्ञान पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका जवाब होगा विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए सीटेट 2016 का पेपर है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मैं 15 प्रश्न आपको करा रहा हूँ, इसमें कम से कम 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कोहलबर्ग, पियाजे और वायगोत्स्की से हैं। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वायगोत्स्की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न अगला हमारा, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। देखिए लिखा है स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना क्या होता है समावेशन होता है, ठीक है। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है तो ये होता है आपका समायोजन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। इन सभी पॉइंट्स को जो है मैंने क्लियर किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि जो प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगा जीन पियाजे वायगोत्स्की का, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर की है मैंने। अगला है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे सुगम वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम। हाँ तो देखिए जरा प्रश्न गड़बड़ हो गया था तो मैंने चेक किया, फिर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका जवाब क्या होगा बताना है आपको। मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव वे की ओर जाएंगे तो सीटेट में हमेशा अच्छे अंक लाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका सही, खोज को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब है आपका ऑप्शन सेकंड, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरीके से ग्रहण करें।
आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और बहुबुद्धि के सिद्धांत को भी मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लय वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लय वाइगोस्की इससे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लय वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। जीन पियाजे और लय वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, एक बार प्रश्न जो है देख सकते हैं आप, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो है वीडियो को पॉज करके जो है आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को आसानी से, ठीक है। तो देखिए इसका जो जवाब है आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लय वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लिंग संरचना है शारीरिक संरचना है सामाजिक है सहज गुण है जैविक सत्ता है, तो बताना है लिंग कैसी संरचना है इसकी। देखिए सॉरी, इसका जो जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा, सामाजिक संरचना। अगला है, लय वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण तत्वों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहीं पर हमारे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं और 15 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।